ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। ट्रांसपोर्टर्स के देशव्यापी चक्का जाम का आज चौथा दिन था और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में हड़ताल ने मानो जनाक्रोश का रूप ले लिया है। अपनी मांगों के साथ आर या पार की लड़ाई की बात करने वाले ट्रांसपोर्टर आज बेहद गुस्से में नजर आए। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए ट्रांसपोर्टरों ने सरकार की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन भी किया। जगह जगह टायर जलाकर सरकार के प्रति अपना आक्रोश जाहिर किया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टरों से बातचीत की पहल भी हुई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स केंद्र सरकार के रवैये से निराश हैं और अब की बार महज आश्वासन से हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं हैं। लेकिन आश्वासन देने के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। पहले भी आश्वासन दिए थे, आज तक पूरे नहीं हुए। रिटर्न एग्रीमेंट हुए थे, आज तक पूरे नहीं हुए। कमेटियां बनाई थी, आज तक पूरी नहीं हुई। इसलिए हमने उनके आश्वासनों में नहीं आए और हम अपने भाइयों के साथ में हैं। हम अपने चक्का जाम तब तक जारी रखेंगे तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सरकार की अभी तक हमारे को कोई बुलावा नहीं आया हुआ। जो 19 तारीख को बुलाया था उसके बाद कोई हमारी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बुलावा नहीं आया जी हमें। अगर ऐसे इलाज चलता रहा तो हो सकता है मजबूर होकर कुछ कुछ भी करनी पड़े तो करेंगे हम। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टरों की ये हड़ताल और उग्र रूप ले रही है। आज ट्रांसपोर्टरों ने ऐलान किया कि कल से वो फल और सब्जियों की गाड़ियों का परिचालन भी ठप्प कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में सब्जियों और फलों के दाम आसमान छूते हुए दिखेंगे और आम लोगों का गुस्सा सरकार पर ही फूटेगा। पूर्ण समर्थन दे दिया है। आज से सब्जी की कोई गाड़ी लोड नहीं हो रही और एएमटीसी की जब तक हड़ताल रहेगी सब्जी यूनियन वाले एएमटीसी के साथ हैं। अगर आज शाम तक हमारी मांगों को ना सुना गया तो कल से दूध की गाड़ियां भी बंद कर देंगे हम। सब दूध एसोसिएशन हमारे साथ रहेगी, सब्जी की एसोसिएशन भी साथ रहेगी हमारे। सभी दूध की और सब्जी अनलोडिंग कल शाम से, कल दोपहर से, कल सुबह से सब बंद रहेंगी। सारा देश हमारे साथ है और सबकी तरफ से यही आ रहा है भी हड़ताल है, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही। ये सिर्फ वह उड़ा रहे हैं। हमारी 95,000 में से 80,000 गाड़ी रुकी हुई है। 80 लाख गाड़ी रुकी हुई है जो कि कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर रही। हमारी इनसे पूरी जो निवेदन है कि हमारी मांगों को जितनी जल्दी हो सके करें। ये तस्वीरें संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की हैं, जहां से इस देशव्यापी चक्का जाम की नींव रखी गई थी और यहां के ट्रांसपोर्टरों ने सीधे सीधे केंद्र सरकार को आगाह किया था कि अगर अब की बार उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सरकार किल्लतों का सामना करने के लिए मजबूत रहे, ये किल्लत आने वाली है। आज शाम तक अगर सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है तो हम बिल्कुल पूरी तरह से सब चीज बंद कर देंगे। आज से जो है जितने भी लोकल ट्रक वाले हैं वो सब एसोसिएशन में जो है हड़ताल में साथ दे रहे हैं और कोई भी लोकल गाड़ी जो है आज के बाद नहीं चलेगी। हम पूरा इनको सहयोग और समर्थन देते हैं। आज से लोकल ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों ने और टेम्पो यूनियन वालों ने हमारे को पूरा सहयोग दिया है। आज उन्होंने बोला है की आज के बाद दिल्ली में जो लोकल सप्लाई होती थी और जो टेम्पू या बड़ी ट्रक लगते थे आज के बाद वो लोडिंग नहीं करेंगे और जो भी महंगाई बढ़ेगी इसके जिम्मेदार मोदी सरकार होगी, ना कि ये ऑल इंडिया वाले होंगे। चक्का जाम की वजह से ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी हर रोज हजारों का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करे, वरना इसका भारी नुकसान देश की जनता को ही उठाना पड़ेगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू और मोहित के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर